हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कॉलम का स्टार्टर कैसे भरा जाता है। ये देखिए, कॉलम का स्टार्टर भरने का प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्टार्टर है, 14x30 इंच का एक स्टार्टर है। इसमें देखिए, सीमेंट का घोल पहले डालकर सीमेंट का घोला डाला जाता है। उससे पहले पानी डाला जाता है, उसके बाद सीमेंट का घोला डाल दिया जाता है। पानी से साफ़ हो जाता है स्टार्टर। इसमें देखिए, सीमेंट का घोला डाला गया है, ये आप देख सकते हैं। और सीमेंट का घोला डालने के बाद इसमें माल डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं। ये देखिए, मेसन जो है कंक्रीट को बहुत ही सावधानी तरीके से भर रहा है। करनी के माध्यम से, ट्रॉल के माध्यम से इसको भरा जाता है। और उसको एक 10 mm की स्टील सरिया लेकर उसको कूचा जाता है, ताकि इसमें वाइब्रेटर तो उसमें चलाया नहीं जा सकता, इसको मटेरियल अच्छे से बैठ जाए, उसमें हनीकॉम्ब ना आए स्टार्टर के साइड में। तो इसके लिए इसको कूचा जाता है। देखिए, स्टार्टर को अच्छी तरह जाम किया गया है, इसके लाइन पर ही काम किया गया है। उसके बाद स्टार्टर को भरने का प्रोसेस हो रहा है। देख सकते हैं आप स्टार्टर कैसे मिशन कैसे अच्छे से सावधानी से भर रहा है। इसको कंक्रीट से फील हो रहा है। फ्रेंड्स, कॉलम का स्टार्टर की हाइट लगभग 50 mm भरी जाती है। आप देख रहे हैं, एक और स्टार्टर भरा जा रहा है। आपको एक कंप्लीट स्टार्टर दिखाते हैं जो भरा जा चुका है। ये देखिए, ये स्टार्टर भरा जा चुका है। सुबह इसको डिसटरिंग करके इस पर क्यूरिंग किया जाएगा। ये अच्छी तरह भरा जा चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये देखिए, स्टार्टर कंप्लीट।